द्वापर युग में वैदर्भ के राजा भीष्मक के घर में भगवती श्री रुक्मिणी जी का जन्म हुआ। ये रुक्मिणी देवी है कौन? ये है त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र की प्राण प्रिया भगवती श्री सीता मैया, वही द्वापर युग में रुक्मिणी देवी के रूप में आविर्भाव हुए। रुक्मिणी देवी कभी भी ठाकुर जी को नहीं दिखी थी, वो हमेशा नारद जी के मुख से ठाकुर जी की कई प्रशंसाएं सुनी थी, और सुनते सुनते एक दिन ऐसा हो गया वो अपनी हृदय दे बैठी और हमेशा ठाकुर जी को ही लेकर चिंता करती रहती थी। एक दिन जब वो विवाह की योग्य हुए तब उनकी माता पिता रुक्मिणी जी से उनकी हृदय की बात पूछी, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विषय में उन्हें कहा, और ये सुन उनकी माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन रुक्मिणी जी की जो भाई थे रुक्मी, वो बहुत गुस्सा हो गया। वो कहा कि मैं अपनी बहन के विवाह एक ग्वाला से, एक चोर से कभी नहीं दे सकता। उल्टा उन्होंने उन्हीं की दोस्त शिशुपाल से इस शादी को तय कर दिया। शिशुपाल थे त्रेता युग का रावण, जैसे रावण सीता मैया को पाना चाहते थे उसी तरह इस युग में भी शिशुपाल भगवती श्री रुक्मिणी देवी को पाना चाहे। विवाह के दिन उन्होंने ठाकुर जी को एक पत्रिका लिखी और एक ब्राह्मण के हाथ उस पत्रिका को देकर कहा कि सूर्योदय से पूर्व इस पत्रिका को ठाकुर जी तक पहुँचा दे। ब्राह्मण तुरंत गया और द्वारिका में ठाकुर जी को वो पत्र धरा दिए। ठाकुर जी वो पत्र पढ़ते ही तुरंत रथ प्रस्तुत कर भागने लगे रुक्मिणी देवी को उद्धार करने के लिए। उधर रुक्मिणी देवी विवाह से पूर्व अपनी सखियों के साथ मंदिर गई गौरी की पूजा करने के लिए। प्लान के मुताबिक ऐसा ही लिखा हुआ था कि वो ऐसे निकलेगी और उसी समय ठाकुर जी उन्हें आकर ले जाए। तो रुक्मिणी देवी जी प्रार्थना करने लगी कि मुझे भगवान जी, मुझे श्री कृष्ण पति के रूप में मिल जाए। और तभी देवी मैया की गले का जो माला रुक्मिणी जी की गले पर पड़ गए। रुक्मिणी जी समझ गई कि काम हो गया, और तब भी वो जब पीछे मुड़ी तो ठाकुर जी उनको लेने के लिए रथ में दौड़ के आ रहे थे। और आते ही रुक्मिणी जी को अपनी गोदी में उठाकर रथ में आरूढ़ कर लिए और भगाने लगे। ऐसा देख हर तरफ हलचल मच गया, सब पीछे पीछे भागने लगे। शिशुपाल वहाँ से बाराती लेकर आ रहे थे, वो जब ये सुने उसका तो दिमाग ही चकरा गया, वो सब पीछे पीछे भागने लगे। और रुक्मी तो भगवान को बहुत सारी गालियाँ भी देने लगी। भगवान जब सुदर्शन चक्र को आह्वान किया तब रुक्मिणी देवी जी ने ठाकुर जी को मना किया कि मेरी खुशी के लिए मैं नहीं चाहती कि संसार बाद में बोले कि मेरे भाई को ही मरवा दिया। इसलिए ठाकुर जी रुक्मी को नहीं मारे। फिर ठाकुर जी जल्दी जल्दी सबको लेकर द्वारिका पहुँचे और बड़ी धूमधाम के साथ ठाकुर जी की पहली विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मिणी रमन भगवान की जय।